ये घर में बना उपटन पैक चेहरे पर लाने वाला है गोल्डन ग्लो। एक चम्मच आटे में कुछ चीज़ों को मिलाकर लगाने से चेहरा सोने जैसा चमकने लगेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं होममेड प्योर हेल्थी एंड इफेक्टिव उपटन फेस मास्क, जो चेहरे की रंगत में चार चांद लगाने वाला है। तो चलिए, आपका ज़्यादा टाइम लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेकर इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच सादा आटा, मीन्स गेहूँ का आटा हम ले लेंगे एक चम्मच। गेहूं के आटे में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन विटामिन्स होते हैं। इसके अलावा इसमें कई ब्यूटी बेनिफिट्स जो होते हैं और कई सारी जो चीज़ें होती हैं इसके अंदर, स्किन की चमक को ये बनाए रखती है, साथ ही स्किन सेल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। वैसे तो गेहूं के आटे का इस्तेमाल स्किन केयर रूटीन में इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन गेहूं का जो आटा होता है स्किन के लिए वन ऑफ द बेस्ट ब्यूटी इंग्रेडिएंट में शामिल होता है, इसलिए क्योंकि इसके अंदर पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं और ये स्किन से टैनिंग को प्रॉपरली रिमूव कर देता है। तो एक से दो चम्मच यहाँ पर गेहूं का आटा लेने के बाद हम इसको बाउल में ऐड कर देंगे। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है एक चम्मच बेसन। मोस्टली रेमेडी में बेसन का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि बेसन का काम स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल को रिमूव करना होता है, और जिन लोगों की स्किन पर ज़्यादा ऑयल निकलता है, एक्स्ट्रा ऑयल निकलता है, उनकी स्किन काली पड़ने लग जाती है। बेसन का काम क्या होता है, ये एक्स्ट्रा ऑयल को रिमूव करके स्किन पर निखार देने का काम करता है। बेसन स्किन को प्रॉपर हाइड्रेशन देता है, स्किन के अंदर की नमी बनाए रखता है, साथ ही बहुत ही आसानी से ये जो है स्किन के ऊपर जमी काली परत को निकाल देता है। ऑयली स्किन पर पिंपल की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, तो बेसन के यूज से पिंपल भी रिमूव होते हैं। तो यहाँ पर एक से दो चम्मच हम बेसन ले लेंगे। यहाँ पर मैंने एक चम्मच बेसन इसमें ऐड कर लिया, उसको मिक्स कर दिया है। इसके बाद मैंने इसमें ऐड करी है थोड़ी सी कच्ची हल्दी। यहाँ पर मैंने कच्ची हल्दी ली थी और इसको पीस लिया था। कच्ची हल्दी का इस्तेमाल उपटन बनाने में किया जाता है क्योंकि ये स्किन पर निखार देने का काम करती है, स्किन को क्लियर करती है, स्किन को पिंपल फ्री स्पॉटलेस बनाने का काम करती है, क्योंकि इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जो स्किन पर होने वाले बैक्टीरिया के नुकसान से स्किन को बचाते हैं। कच्ची हल्दी का लेप लगाने से स्किन पर प्राकृतिक चमक आती है और किसी भी तरीके के निशान जो हैं स्किन से कम होते हैं। थोड़ी सी कच्ची हल्दी लेकर हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद मैंने लिया है टमाटर का जूस। हम सभी को पता है कि टमाटर के जूस में ब्लीचिंग क्वालिटीज़ होती हैं और ये इतना पावरफुल होता है कि ये स्किन से कालेपन, मैल को, धूप से हुई टैनिंग को रिमूव करने के काम करता है, स्किन में मौजूद गंदगी को निकाल कर स्किन के जो बड़े पोर्स होते हैं उनको कम करता है, और टमाटर में विटामिन सी होता है जो स्किन की खूबसूरती बनाए रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड ये स्किन में ग्लो को ऐड करता है। तो यहाँ पर एक चम्मच टमाटर का जूस डालकर इसमें हम 2 से 3 चम्मच पानी डालकर इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हमारा एक फाइन पेस्ट बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं इस उपटन फेस पैक को अपने फेस पर लगाऊंगी। तो ये स्किन के लिए काफ़ी हेल्दी है एंड इसको बनाना भी काफ़ी इजी है। फेस पर हम इसको लगाएंगे और पूरे फेस पर जब हम इसको लगा लेंगे तो इसको हल्का जो है ड्राई होने देंगे, और जब ये हल्का ड्राई हो जाएगा तो इसको रब करके निकाल लेंगे, और निकालने के बाद 5 मिनट बाद आपको फेस वॉश करना है। ये पावरफुल उपटन फेस पैक स्किन पर गोल्डन ग्लो देगा और चेहरे की जो रौनक है इसे उसमें चार चांद लगेगा। तो आप भी इसको ट्राई करें और चेहरे पर गोल्डन ग्लो दें, एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।